नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो टाइटल और थंबनेल देख के ही आए होंगे, तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ। अगर आप एक कार ओनर हैं, मैं किसी कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल व्हीकल की बात कर रहा हूँ, यानी कि सफ़ेद नंबर प्लेट वाली कार अगर आपके पास है तो आप उसका यूज़ करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, एक कार एप्लीकेशन है जिसका नाम है ब्लाबला कार एप्लीकेशन। कार पुलिंग के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि कार पुलिंग होती क्या है। उसमें अगर कोई पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो किसी अदर पर्सन को अपने साथ ले जा सकता है, और नेक्स्ट डे वो अदर पर्सन जो होता है वो अपनी कार में इस फर्स्ट वाले पर्सन को ले जाता है, जिसे हम पर्सनल शेयरिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, आप अगर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, मोस्टली जो कार पूलिंग होती है वो लोकल के लिए होती है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं डेली, आपके आस पड़ोस से अगर सेम जगह कोई और पर्सन भी जाता है तो आप उसको लेके जाते हैं, और किसी और दिन वो आपको लेके जाता है। तो इस तरह से पर्सनल उसके साथ आप सेटिंग कर सकते हैं कि किस दिन कौन अपनी कार ले जाएगा और किस दिन कौन अपनी कार ले जाएगा, जिससे कि क्या होगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपका फ्यूल भी बचेगा और एनवायरनमेंट भी जो है वो पॉल्यूटेड नहीं होगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ब्लाबला कार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप लोकल नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं कार पूलिंग के लिए, यानी कि आप इंडिया में कहीं से भी कहीं जा रहे हों, आप अपने साथ को पैसेंजर्स को लेके जा सकते हैं, बदले में आप उनसे पैसे ले सकते हैं। और मैं इस एप्लीकेशन को कई बार यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा हरिद्वार दिल्ली आना जाना होता रहता है, कभी देहरादून दिल्ली या उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल से दिल्ली जाना ऐसा होता रहता है। तो मैं ये एप्लीकेशन यूज़ करके वहाँ से को पैसेंजर ढूंढ लेता हूँ और वहाँ पे एक अमाउंट फिक्स कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का आपको मुझे इतना रुपया देना होगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली एप्लीकेशन खोल लेनी है। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो फाइंड अ राइड मिलेगा और एक मिलेगा ऑफर अ राइड। ऑफर अ राइड में क्या करना है आपको, अगर आप ऑफ़र करना चाहते हैं किसी को राइड, तो आप अपनी डेट, टाइमिंग और ट्रैवलिंग की जगह बता वहाँ पे फिल कर दीजिए कि आपको कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, किस दिन ट्रैवल करना है और कितने बजे ट्रैवल करना है, आप कितना किराया लेंगे और आपकी कार कौन सी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद आप अपनी कार में कितने पैसेंजर ले जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी फिल कर सकते हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग या फिर नो पेट्स, मतलब कोई अपने पेट्स लेके मेरी कार में ट्रैवल ना करे, उसके लिए भी आप वहाँ पे वार्निंग साइन लगा सकते हैं। इसके बाद जब आप ऑफ़र कर देंगे राइड, तो बहुत सारे लोग जिनको जाना होता है इमरजेंसी में, तो वो उसी टाइम आपकी जो सीट होती कार की वो बुक कर लेते हैं और आपको वहाँ पहुँचने के बाद पैसे पे कर देते हैं कैश में, या फिर UPI ट्रांजैक्शन किसी भी जरिए से वो आपको पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। देखिए, सिक्योरिटी के इश्यू मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले देहरादून से 4-5 लोगों ने एक कार बुकिंग की, मतलब एक कैब बुक की रुड़की के लिए, लेकिन उनमें से 4 लोग उस कैब में गए और रुड़की पहुंचने से पहले रास्ते में जहां पे उनको जंगल दिखा वहां पे उन्होंने उस कैब ड्राइवर को रोका और उसको लूट लिया, यानी कि उसकी कार लेके भी चले गए, उसके पैसे वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने सारे कागज़ थे सब लेके चले गए। भले ही वो जो लुटेरे थे वो बाद में पकड़े गए, लेकिन यहाँ पे अगर उस ड्राइवर ने पहले ही थोड़ा सा सावधानी बरती होती तो शायद उसके साथ ये हादसा नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि उसकी सिक्योरिटी के मामले में वो आदमी आपको सही नहीं लग रहा है जिसको आप अपनी कार में ले जाने वाले हैं, तो आप उससे सिंपली उससे कुछ आधार कार्ड की फ़ोटो या फिर कुछ मंगवा सकते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर पर, और उसको अपने किसी रिलेटिव या फिर किसी को भी जान पहचान वाले बंदे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और ये काम अगर आप उसके सामने ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर वो ये चीज़ आपको करते हुए देखेगा तो वो अलर्ट हो जाएगा, और अगर वो बाय चांस कुछ ऐसा काम करने भी वाला होगा तो उसको पता होगा कि आपने उसकी जो आधार कार्ड या कोई भी ID की फ़ोटो है वो आपने किसी जान पहचान वाले को भेज रखी है, तो इसका मतलब उसकी ID जो है वो आपके रिलेशन या रिलेटिव वालों के पास पहुँच चुका है, रिलेटिव के पास पहुँच चुकी है, तो वो कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप ये कार पूल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ब्लाबला जिसका नाम है, आपको उसकी कोई ID ले लेनी है और उसको
आगे फॉरवर्ड कर देना है, जिससे कि आपकी जर्नी भी सेफ रहे। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।